12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार योगी जब किसी कोई भी फोन उठाले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस हम आपको तलाश दे रहे, हम तो कई रंग तलाश दे रहे हैं। कितना लेके आए थी तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम शिकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शिकार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए कर सकते हो, जब आप मर जाएंगे मार दीजिए। आप सभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो पिए हो। शुरुआत तो आपने की है तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था। तुम भी तो दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है? सब करते हैं। करो, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। आपने नहीं बताया, उसकी उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे ये भी प्रो बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे पता है? कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है। मत बुलवाओ मत हमसे ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी वो का मेरे सिर्फ इस फोन में है, उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। तो आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको। एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, मुझे पता है आप नंबर रखते हो, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। तो अब नंबर किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। आजा पसंद की नहीं है, नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में जो भी था, इतने मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे इतना हक था तो बोलते हैं। हक तो था ही, जहाँ रात बोला हूँ था। हाँ, नहीं है ना, नहीं है। जब उस दिन आप करी जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना, सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहती थी, सब कहती थी, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हूँ कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं, बोलना चाहिए था ना सामने वाला सही था तो। आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं नहीं, तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करियो भी सही है, ओहो उसको आवाज ही नहीं आई, एक मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही होगी जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला होगा, कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग फोन नहीं उठाते किसी। फिर कोई किसी का फोन नहीं उठा, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को फोन कर रहा हूँ बताने के लिए, फोन कर रहा हूँ, पहुँच गया हूँ, और क्या जो पता था। आप सोचे मुझे नहीं पता, जो कि मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस यही सब करिए आप, करेंगे ही यार, पता है, बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है यार। यही हम पता है पति का कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको बताओ, आपको जो मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने दिन कैसे ब्लॉक कर दिया? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। अच्छा, क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी, नहीं यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे, ब्लॉक कर दोगे। अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, और तजवीज करोगे कि ब्लॉक कर दोगे, किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगे आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी, हम आपको ब्लॉक कर देंगे, वही बात है। उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती, अपनी इच्छाएं दिखाने की जरूरत होती, बात करने की जरूरत होती। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ कलेक्टर, आप अपना तो एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही हूँ, कल कलेक्ट्रेट में आए, फोन किए हम तो पूछ लेना है। चलिए हमको न बताइए जहाँ थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी, पूछ लेना। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है, ये भी पता चल
भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहे हो, ये बात क्यों ना? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की स्वीकार लिया, पहले आशीष के साथ स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, शादी हो चुकी है, कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति हूँ, पति था, पति बने रहा, मर जाओगे मर जाएंगे, मरवा दीजिए, हम नहीं मरवाएंगे, अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, हम क्यों मरवाएं, हम क्यों मरवाएं, मर जाओगे, नहीं हमने, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या किया इल्जाम आप लगाई हो, दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे, कम लाए थे ना तभी, तभी तो कम लाए थे, खाना देते थे, पाँच हजार उस दिन देखो हमारे पास वीडियो कार में आपके पापा कहते ना भैया मैं 5,000 तिलक चलाया था, याद होगा ना जब हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल 5,000 चलाए थे तिलक, लेकिन लेकिन तभी तो तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, चलो हमको हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए लगा दो अभी ना, नौकरी नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी, हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो, अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे, हम शादी जाँच तो आप करवा रही हो, जाँच करवा रहे हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी, फिर देखो फिर तो बात है ना, फिर तुम तो लड़ो फिर कानून से, आप लड़ेंगे तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही, बस ठीक है ठीक, आप सब सस्ती जा रही है, एफआईआर निकालिए, तलाक के लिए आप डालिए, आप बताइए झगड़ा होने से, तो आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है।